तो 32,000 एम्पीयर करंट ड्रॉ करेगा तो आपको वो तार हीट होके जल जाएगा। हमारा तो चलो 3 फेज मीटर है और हमारा जो लोड कैपेसिटी है वो 7.06 किलोवाट का है, ठीक है। तो हमारा किस कितने कैपेसिटी पे गाड़ी चार्ज होगा कि मेरा अगर सिंगल फेज मीटर है और मेरे को मैक्सिमम लोड 5 किलो मिलेगा उस पर, मेरा क्या ये 7.2 किलोवाट का चार्जर एसी फास्ट चार्जर काम करेगा? सर एक्चुअली 7.2 चार्जर आपको इंस्टॉलेशन होगा मगर। नमस्ते एवरीवन एंड वेलकम बैक टू द न्यू वीडियो। मैं हूं आपका दोस्त निखिल और आ गया हूं लेके एक और नई वीडियो। और जैसा कि आपने मेरे टाइटल और थंबनेल में देखा है, ये होने वाला है द इंस्टॉलेशन प्रोसेस ऑफ द एसी फास्ट चार्जर। 7.2 किलोवाट का चार्जर क्या आपके सिंगल फेज मीटर में काम करेगा या ट्रिपल फेज लगेगा? ऑल दोस क्वेश्चंस जो हमारे सब दिमाग में चल रहा है, उन सब का आंसर आपको इसी वीडियो में हम देने वाले हैं। मिलाएंगे आपको सुशांतों से जो टाटा पावर से आए हैं, जो आपको सही इन्फॉर्मेशन जो है वो प्रोवाइड करेंगे। सो वीडियो इंटरेस्टिंग होगी, इन्फॉर्मेटिव होगी। सो वीडियो के एंड तक प्लीज बने रहना। पसंद आई तो उसे एक लाइक जरूर से कर देना। चैनल में नए हैं अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है, देन व्हाट आर यू वेटिंग फॉर? प्लीज हिट द सब्सक्राइब बटन, प्लीज हिट द बेल नोटिफिकेशन एंड विदाउट वेस्टिंग मच टाइम लेट्स गेट स्टार्टेड, लेट्स गेट गोइंग। चलो गाइस, सो आपको मिलाते हैं सुशांतों से। सुशांतों नमस्कार। नमस्कार, थैंक यू सो मच। आपको हिंदी आती है? आती है। चलो कुछ क्विक क्वेश्चंस पूछते हैं और फिर आपका जो इंस्टॉलेशन प्रोसेस है जो अपने गैराज में जो होने वाला है आपको ज्यादा टाइम नहीं वेस्ट करेंगे। तो आप कहां से आए हैं, क्विक एक परिचय दीजिए। मैं टाटा पावर से आया चार्जर से 7.2 किलोवाट चार्जर इंस्टॉलेशन करने के लिए। और जितना इलेक्ट्रिक गाड़ी है वो सब हम लोग काम करता है, सबको चार्जर इंस्टॉलेशन करता है। रोड में जितना फास्ट चार्जर है वो भी हम लोग करता है, अदानी पावर टाटा पावर से उससे हम लोग करता है। चार्जर भी हम लोग सेल भी करता है और जितना चार्जर है उसका मेंटेनेंस भी हम लोग करता है। दिस इज द गाय, मैं इस पर बहुत ट्रस्ट करता हूँ। मैं स्पेशली इसका रिक्वेस्ट मैंने रिक्वेस्ट करके बोला कि इनको ही भेजो कि हमारा चार्जर जो है वो सुशांतो ही इंस्टॉल करेगा। सुशांतो क्विक क्वेश्चन है जो मैं पूछता हूँ आपको, 7.2 किलोवाट का सबसे पहले ये जो तार जो मैं देख पा रहा हूँ इसका क्या विथ है? क्योंकि नॉर्मली है आपका पॉलीकैप का 10 स्क्वायर mm 3 कोर आर्मर कॉपर केबल है। 3 कोर आर्मर कॉपर केबल और कितना इसका वापस बताओ कितना mm कितना इसका वो है? 10 स्क्वायर mm। चलो तो ये अच्छा हो गया क्योंकि अपना जो ये एक्चुअली फेज न्यूट्रल सिंगल फेज का है वायर है, माने सिंगल फेज आपको लोड लेगा फेज न्यूट्रल और 8। चलो उसमें हम लोग आएंगे क्योंकि लोगों को सिंपल भाषा में हमें बताना है कि क्या होता है नहीं होता। बट नॉर्मल जो होता है 3 कोर वायर जो 4 mm का हम लोग यूज किए थे जब हमारे 2.5 mm का यूज किए थे जब हम लोग अपने ये 3.3 स्लो चार्जर वाला जब इंस्टॉल किए थे तब। अब ये 7.2 किलोवाट है। आओ जरा उजाले में आ जाते हैं। अब दर्शकों को सिंपल भाषा में ये बताओ कि मेरा अगर सिंगल फेज मीटर है और मेरे को मैक्सिमम लोड 5 किलो मिलेगा उस पर, मेरा क्या ये 7.2 किलोवाट का चार्जर एसी फास्ट चार्जर काम करेगा? सर एक्चुअली 7.2 चार्जर आपको इंस्टॉलेशन होगा मगर हम लोग हमारा चार्जर को जो एप्स है वो एप्स से हम लोग एम्पियर को घटा देता है, देखे स्लो करके हम लोग सेटिंग कर देता है। जब मीटर का रिकमेंड बढ़ता है उस टाइम हम फिर आके उसका बढ़ा देता हूं। मतलब कि इन सिंपल वर्ड्स इंस्टॉलेशन हो जाएगा, हो जाएगा, मगर उससे चार्ज कितना किलोवाट पे होगा? 3.3। तो ये हुई ना बात। तो अभी हमारा तो चलो 3 फेज मीटर है और हमारा जो लोड कैपेसिटी है वो 7.06 किलोवाट का है, ठीक है। तो हमारा किस कितने कैपेसिटी पे गाड़ी चार्ज होगा फास्ट चार्जर से? सर एक्चुअली आपको जो मीटर का वायर है, मीटर से आपको डीवी बॉक्स में जो वायर गया वो पहले 10 स्क्वायर mm होना चाहिए। हाँ, तो ये वायरिंग भी चेंज करानी पड़ेगी वो, क्योंकि वो 10 स्क्वायर mm नहीं होगा तो ये 32 एम्पीयर करंट ड्रॉ करता है। हाँ, तो 32 एम्पीयर करंट ड्रॉ करेगा तो आपको वो तार हीट होके जल जाएगा। हाँ, तो अपने को गाइज ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज है, अपने मीटर से जो तार जाती है मेन लाइन मेन स्विच तक, हाँ, वो वाली तार, घर की वायरिंग की बात नहीं हो रही है, वो जो है आपका वैसा ही है। पर अगर 3 फेज मीटर है, आ जा भाई फ्रेम में, जो 3 फेज मीटर है आपका उसके लिए जो मेन मीटर से तार जाता है अपना डीवी बॉक्स में वो 10 mm का होना चाहिए कम से कम। और एक बात है, आपका इनकमिंग जो CSC वाला बा WBSC जो उसका सोर्स से जो तार आके मीटर में लगता है इनकमिंग, वो भी 10 स्क्वायर mm होना चाहिए। अच्छा, तो हमारा वो है क्या
हम लोग का वो नहीं नहीं वो उसका भी चेंज करना पड़े। चेंज करना पड़ेगा उसका क्या खर्चा ये भी बता दो सर। एक्चुअली अभी 10 स्क्वायर mm का केबल है जीएसटी लेके 160 पर मीटर। और मेरे को कितना मीटर लगने वाला है? आपको तो अप्रॉक्स 35 मीटर लगेगा। 35 मीटर का खर्चा करा दिया भाई तू आते के साथ। बट जो करना है सो करना है, कुछ कर नहीं सकते हैं। तो सर एक बार खर्चा होगा उसके बाद तो। चलो गाइज एक क्विक ऑलराइट गाइज लेट्स क्विकली समराइज दिस। सो आई लेट मी टेक जस्ट माई एग्जाम्पल। सो आई हैव अ 3-phase meter। हाउएवर माई इलेक्ट्रिक मीटर लोड कैपेसिटी इज ओनली 7 kW। सो द क्वेश्चन नाउ कम्स 7 kW भले ही 3-phase meter हो 7 kW कैपेसिटी में क्या मैं 7.2 किलोवाट एसी फास्ट चार्जर से गाड़ी चार्ज कर सकता हूं कि नहीं राइट तो उसका आंसर है हाँ मैं कर सकता हूं क्योंकि मेन जो अपनी जो इनपुट आउटपुट की वायरिंग है जिस फेज में मेरा वो 7.2 किलोवाट का चार्जर लगेगा उसको मैं 10 mm सिंगल फेज 10 mm की वायरिंग जो है वो करवा लूंगा। हाउएवर भले ही मेरी कैपेसिटी जो है वो 7 kW की है मेरे मीटर की, मैंने खुद इलेक्ट्रिक ऑफिस में गया, मैं वहां पर लोड इंक्रीज करने के लिए रिक्वेस्ट डाला तो उन्होंने बोला सर कोई जरूरत नहीं है, आपके घर में अगर 2 AC भी हो भले ही आप चार्ज कर रहे हो AC चल रहा हो ज्यादा से ज्यादा क्या होगा हमारे दिए गए लाइक व्हाट द मोस्ट दैट विल हैपन इज वी माइट जस्ट सेंड यू अ नोटिस सेइंग दैट यू आर ड्रॉइंग मोर energy from the meter than you have actually taken the load for. उससे load में कोई problem नहीं होगी, I can still charge my car with the 7.2 kilowatt. However, question यह आता है कि अगर मेरा single phase meter है और maximum load भले ही उसमें 5 kilo हो, मैं 7.2 kilowatt charger से 7 AC fast charging at 7.2 kilowatt नहीं कर पाऊंगा, वो maximum 3.3 kilowatt ही होगा जो 13 ampere पे clock हो जाता है, नॉट 32। होप दैट क्लियर। अब वीडियो के आगे बढ़ते हैं और अगर फिर भी आपको कोई क्वेश्चन है सो फील फ्री टू ज्वाइन आवर टेलीग्राम पैन इंडिया ईवी कम्युनिटी ईवी ग्रुप, उसका लिंक जो है आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। एंड अगेन आई एम देयर, यू कैन कॉल मी एट द नंबर एट द बॉटम ऑफ योर स्क्रीन, आई विल बी मोर देन हैप्पी टू टेक दैट क्वेश्चन। बट आई जस्ट वॉन्टेड टू क्विकली समराइज दिस। ये दूसरे दिन मैं ये वीडियो बना रहा हूँ, मैंने सोचा कि उस वीडियो में शायद आप लोगों को ये क्वेश्चन रह गया हो। तो इवन विद द 7.2 किलोवाट, इवन विद द 7 किलोवाट कैपेसिटी आई कैन स्टिल चार्ज 7.2 किलोवाट चार्जर से इवन इफ मेरे घर पे एसी ऑन है, बट आई विल ट्राई नॉट टू डू दैट। ओके तो चलो चार्जर इंस्टॉल करते हैं। कहां पे अपना चार्जर इंस्टॉल होगा पहले ही बताओ। सर आपका चार्जर तो इधर इंस्टॉलेशन होगा। हाँ इधर भी एक डीवी बॉक्स बैठेगा। हाँ तो इसका क्या होगा, ये सब जो है ये रहेगा ऐसे ही? नहीं ये एक्चुअली सर ये क्या आप रखेगा क्या नहीं रखेंगे? ये आपका रखेगा, मैं रखूंगा क्योंकि मैं हमेशा 7.2 से नहीं करना चाहता हूं, मैं 3.3 से भी चार्ज देना चाहता हूं बीच बीच में। ठीक है फिर राखिए, कोई प्रॉब्लम नहीं, हम चार्जर इधर बैठा देता हूं, इधर एक डीबी बैठा देता हूं। अच्छा तो एक और बात बताओ कि यहां पर तो देखो जैसे ये ओपन है, जब बारिश वारिश होती है तो पानी अगर आके यहां पर, एक्चुअली डायरेक्ट पानी पड़ने से चार्जर प्रॉब्लम होता है, मगर हल्का से साइड से आने से कुछ प्रॉब्लम नहीं होता। प्रॉब्लम नहीं होगा नहीं। पक्का है? हाँ, पक्का। तो उसको उस साइड में ही लगा दो ना? मैं लगा देता हूँ, कुछ बार प्रॉब्लम नहीं, इधर भी लगा देता हूँ, इधर मैं लगाऊ ना ज्यादा प्रोटेक्टेड ज्यादा होगा। बट यहाँ से अपना गाड़ी का पूरा ऐसे घूम के जाएगा और यहाँ पे चार्ज हो जाएगा। तो सेम वायर है। आई होप ये इन्फॉर्मेशन आपको अभी तक अच्छी लग रही होगी। अगर अच्छी लगी है तो उसे एक लाइक तो बनता है और बहुत अच्छी लगी है तो चैनल को सब्सक्राइब भी बनता है। एट द सेम टाइम गाइज थैंक यू सो मच फॉर ऑल योर लव एंड सपोर्ट फॉर ऑल माई वीडियोज। I am still learning, I'm still growing, and I just want to thank you for supporting me, showing me your love. So please do that. Please mention your thoughts in the comment section. Sahi galat kuch nahi, jo dil mein aaye wo bolo. I am always there. Main almost har ek comment ka reply karta hu, and I would love to see that. And at the same time, if you are planning to buy a car and if you are confused, you know where to go. There's a link in the description. Us link pe jaiye, mera consultation slot jo hai wo aap book kar sakte ho, nahi to mere नीचे दिए गए नंबर पर मुझे डायरेक्टली कॉल करो। आई बी मोर देन हैप्पी टू गेट ऑन अ कॉल एंड डिस्कस योर ऑप्शंस। नाउ लेट्स सी द प्रोसेस ऑफ हाउ द 7.2 किलोवाट चार्जर इज बीइंग इंस्टॉल्ड एंड उसके बाद लास्ट में हम आपको दिखाएंगे कि हमारी कार किस कैपेसिटी से चार्ज हो रही है। तो उसके लिए वीडियो के एंड तक बने रहना। चलो चलो सुशांत से पूछते। सुशांत टाइम हो रहा है 4:36 हो रहा है, कितना देर लगता है लगेगा आपको चाहे इसको इंस्टॉल करने में?
एक घंटा 15 मिनट, चलो चैलेंज एक्सेप्टेड। वीडियो में आपको बताएंगे कि एक्चुअली में कितने जल्दी या कितना टाइम लेकर इन्होंने कंप्लीट किया, इस वीडियो में बने रहिएगा, वो इन्फॉर्मेशन भी आपको मिल जाएगी। यहाँ पर एक MCP लगी है, ये अपना जो मेन चार्जिंग बॉक्स है वो, और ये हो गया अपना चार्जिंग गन का पॉइंट, और एक और MCP लगती है अपने मेन मीटर पे, आपको दिखा देते हैं। यहाँ पर एक और MCP लगती है और इसका वायर जाकर अपने यहाँ पर जो फ्यूज बॉक्स है उसमें लग जाता है। अर्थिंग कितना होना चाहिए? 2 का नीचे होना चाहिए, अभी 2 है, अभी जो है चल जाएगा। नहीं मतलब अर्थिंग ज्यादा है क्या? अर्थिंग अभी जो है चार्जर में कुछ डिफेक्ट नहीं है। अच्छा, 3 का ऊपर जाएगा तो अर्थिंग का प्रॉब्लम हो सकते हैं। क्या प्रॉब्लम होगा मतलब? वो चार्जर काम नहीं करेगा। काम नहीं करेगा 3.3 के, वो चल जाएगा, मगर 7.2 के 3 का ऊपर हो जाएगा तो चार्जिंग माने नहीं, बोलते ना 2 के नीचे होना चाहिए अर्थिंग। कांस्टेंट 3 ठीक है। अच्छा, 3 का ऊपर चल जाएगा तो अर्थिंग ये चार्जर, चलो वो तो अभी पता चल जाएगा जब चार्जर ऑन करेंगे। और वोल्टेज का क्या है? वोल्टेज ठीक है, वोल्टेज ठीक है। चलो माता रानी का नाम लेके ये ऑन हो गया, सो दिस इज डन आवर चार्जर। चलो अब नेक्स्ट प्रोसेस क्या है? नहीं है। गाड़ी को चार्ज करके देखना है, गाड़ी है। अच्छा, जब तक सुशांतो भाई यहाँ पर सब कुछ क्लीन कर रहे हैं, अपने जो अपनी गाड़ी है उसको यहाँ पर पार्किंग में डालेंगे, चार्जर गन कनेक्ट करेंगे और देखेंगे कि अभी किस एम्पियर पे गाड़ी जो है वो चार्ज लेगी। क्या ये 7.2 किलोवाट पे लेगी या फिर 3.3 किलोवाट पे, तो वो हम अभी बता देंगे आपको। सो सुशांतो अभी क्या कर रहे हैं यहाँ पर? करंट रेट रुको 13 कर दिया, सेट करंट रेट एम्पियर को 13 कर दिया। इसका मतलब ये है कि ये अभी बताते हैं, चलो इनको बताते हैं, जब डायरेक्टली गन पे लगाएंगे तब इनको समझा देंगे गाइस। सो फाइनल आउटकम के लिए बने रहना, और यहाँ पर कुछ डूज एंड डोज एंड हाउ टू यूज का यहाँ पर इन्होंने लगाया हुआ है, सो दैट इज ऑल्सो गुड। तो चलो भाई, ये होगा सच का सामना। ये हमने लगाई चार्जिंग गन को, देखो अभी ब्लिंक करने शुरू हो गया और वहां पर ब्लिंक करना स्टार्ट हो गया, ये कनेक्शन एस्टैब्लिश करेगा। चार्जिंग नहीं स्टार्ट हुआ। क्यों नहीं हुआ स्टार्ट? होगा। अच्छा भाई, मेरे संग खिलवाड़ कर रहे हो, बोला चार्जिंग अभी। दो RFID कार्ड है। अच्छा, ये हमें पता ही नहीं था। अभी जब गाड़ी से गाड़ी के साथ कनेक्ट होगा ये लाइट ब्लिंक करेगा, मतलब गाड़ी के साथ कनेक्ट हो जाने के बाद ये लाइट। रुको तो ये थोड़ा क्लियर बताते हैं। सो गाइस, दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट कि हाउ टू चार्ज विद दिस। अगर आप फर्स्ट टाइम इसको यूज कर रहे हो, जैसे कि मैं यूज करने वाला हूँ, तो सुशांत तो बताएंगे। तो ये गाड़ी के संग चार्जिंग गन जो है वो कनेक्ट हो गई है, कनेक्ट होने के बाद ये ब्लू लाइट कुछ इस तरह से ब्लिंक करेगी, करेक्ट? और अभी क्या करना है? अभी ये दो RFID कार्ड है, ये जो है ये अपना RFID का जो कार्ड है, ये घर में और डुप्लीकेट चाबी के साथ रख दीजिए। ओके, और ये आपका खुद का चाबी के साथ रख दीजिए, गाड़ी के चाबी के साथ। तो ये जो है ये मैं अपने पॉकेट में रख ले रहा हूँ।
फोटो लेंगे। अच्छा फोटो लीजिए। अच्छा ये अभी ये तीनों डॉट है। हाँ तीनों डॉट में टच करिए। अच्छा ये टच कर दिया उन्होंने और गाड़ी ने कनेक्ट ले लिया है और ये स्टार्ट हो गया, चार्जिंग गाड़ी की स्टार्ट हो गई है। तो चलो आपको बताते हैं कि 42% पर अभी अगर आप देख सक रहे हो 42% पे करंट चार्जिंग है एंड इट सेज द कार विल चार्ज इन 11 आवर्स। सो दैट मींस 100% होने के लिए 11 आवर्स मांग रहा है। दैट मींस चलो एम्पियर देख लेते हैं। आ जाओ आइए भाई एम्पियर देखा जाए। इलेवन एम्पियर दिख रहा है मेरे को। बढ़ेगा 11.66 बेसिकली ये मैक्स टू मैक्स जाएगा तो 13 पे जाएगा। बट अगर ये 11.6 ही रहा तो गाड़ी मतलब 3.3 से भी चार्ज नहीं हो रहा है। करेक्ट। हाँ वो भी ऐसे ही लेगा। हाँ उसका कम ही लेता है। तो चलो ठीक है आपको स्क्रीन के सामने में मैं कैलकुलेशन दे दे रहा हूं कि फ्रॉम 42% टू 100% अपने को 11 आवर्स लगना है। तो आओ चलो आप देख लेते हैं कि भाई ने जो प्रॉमिस किया था 4:36 पे स्टार्ट हुआ था बट कायदे से इसने काम जो है वो कंप्लीट कर दिया था डॉट 6 बजे। तो 1 घंटा 15 मिनट बोला था सुशांतो ने और 1 घंटा 15 मिनट से थोड़ा सा ज्यादा लिया बट बनता है भाई। ये बंदा एक नंबर है। वंस अगेन बहुत 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 मस्त आदमी है भाई। आ जाओ एक बार यहाँ पे खड़े हो जाओ चार्जर के साथ में दोनों RFID को लेकर और हम भी आ जाते हैं इसमें। तो ये हो गई हमारी थंबनेल के लिए अच्छी वाली फोटो। ठीक है ना ऑसम। चलो थैंक यू सो मच। थैंक यू सुशांत भाई थैंक यू सो मच। तो अपनी गाड़ी जब तक चार्ज लेगी आज फुल नाइट इसको चार्ज देंगे। एक लास्ट क्वेश्चन है खाली बता दो कि अगर मैं 80% से 100% भी चार्ज करूं तो कोई प्रॉब्लम नहीं है। ये ऑटो कट है। हाँ आप अभी लगाइए एक हफ्ते बाद खोलिए कुछ प्रॉब्लम नहीं। वापस से बोलो सबके सामने। अभी गाड़ी लगाया चार्ज में एक हफ्ते मैंने 7 दिन पहले खोलो और कुछ प्रॉब्लम नहीं है। मतलब इसका ऑटो कट फुल चार्ज हो जाने के बाद आप चार्ज नहीं लेगा। नहीं लेगा मतलब ये लगा के छोड़ देने से प्रॉब्लम ये वो हैंतन वो सब कुछ नहीं है। चलो ये भी अच्छा हो गया। तो अच्छी लगी होपफुली ये वीडियो। आई होप इन्फॉर्मेटिव हो। आई होप आपको हेल्प हुई हो। अगर हुई है कमेंट सेक्शन में बताइए। हुई है तो उसे एक लाइक कीजिए और अगर बहुत अच्छी लगी है तो जैसे मैंने बोला प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। ऐसी बहुत सारी डिटेल्स आपके लिए लेके आएंगे गाइस। सो वीडियो में जुड़े रहिए चैनल से जुड़े रहिए। तब तक के लिए मैं निखिल आपसे इजाजत लेता हूँ। मिलता हूँ बहुत जल्द अपनी नेक्स्ट वीडियो में। टेक केयर गॉड ब्लेस लव यू गाइस।